हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट में जियो लेयर्स को यूज करना बताऊंगा कि हम जियो लेयर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और उसके एक्सटेंशंस को कैसे प्लग इन कर सकते हैं। तो सभी डिटेल में आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि कैसे हम किसी भी अपनी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं गूगल मैप के थ्रू, जियो लेयर्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अडोबी आफ्टर इफेक्ट में जियो लेयर्स को यूज़ करना बताऊंगा कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी जगह का, किसी भी अर्थ में किसी भी पोजीशन का, किसी भी लोकेशन को हम कैसे मैप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अडोबी आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लेना है। तो उसमें आपकी सभी एक्सटेंशन जो हमें शो होती है वो विंडोज़ में जाकर एक्सटेंशन में यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ से हम जियो लेयर्स को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी अभी जियो लेयर्स 3 वर्जन की ओपन हो रही है। तो ये हमारी जियो लेयर्स की एक्सटेंशन ओपन हो गई है। तो यहाँ से मैं कुछ यहाँ से आपको थोड़ी सी सेटिंग बताता हूँ कि क्या ये चीज़ होती है। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट लेना है तो यहाँ से लेना है, इम्पोर्ट प्रोजेक्ट कोई सेव किया है तो यहाँ से लेना है, तो ओपन प्रोजेक्ट कोई भी हम प्रोजेक्ट वो भी यही ऑप्शन होती है, कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन करना है जो बनाया है हमारा, कुछ हमने सेव किया है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये नीचे सैम्पल लेयर्स हैं, सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, सैम्पल कोई मैप है, यहाँ से इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इनको नहीं अभी के लिए यूज़ करेंगे, इनका यूज़ मैं किसी अनदर ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमने एक एरिया लेना होता है जिसका हमने मैपिंग करनी है, उसकी हमने यहाँ लोकेशन देनी होती है। तो लोकेशन हम कोई भी अर्थ में से किसी की भी लोकेशन किसी भी कंट्री की दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन टेम्पल की ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन को सर्च कर लेना है, तो यहाँ पर उसको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद लोकेशन हमारी आ गई, यहाँ पर शो हो गई। तो अभी के लिए ये देखो यहाँ पर कोई भी कंपोजिशंस नहीं बनी हुई, अभी बनेगी जब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ नेम आ गया हमारा कंपोजिशन का, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर साइज भी चेंज कर सकते हैं हम और फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ का। तो यहाँ ड्यूरेशन है, कितनी ड्यूरेशन का हमारा ये कंपोजिशन बने। तो मैं यहाँ पर 20 सेकंड्स की ड्यूरेशन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ सैंपल्स हमारे पास आ गए कि हमें किस तरह का हमारा जो मैप है, वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी है, हमने मैपिंग करनी है, तो किस तरह का मैप हमें अपनी वीडियोज़ में चाहिए, हम किस तरह का मैप चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ ये सैंपल में से ये वाला ले लेता हूँ, इसका नाम है बिंग एरियल। तो ये आप ले सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर पिक्चर इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि गूगल मैप में वो पिक्चर नहीं है। अगर आपको भी इस तरह से शो हो रहा है तो आपने जूम ज़्यादा हुआ है, आपको जूम आउट करना है। तो यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से मैं माउस के स्क्रॉल बटन से भी जूम आउट कर सकता हूँ। ये देखिए जब मैंने जूम आउट किया तो यहाँ पर मेरी पिक्चर जो है वो प्रेजेंट हो गई है। तो इस तरह से हमें ये मैप हमारा दिख रहा है। तो यहाँ से जो प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान से क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का व्यू भी दिखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी इस तरह का व्यू ले सकते हो। ये जो ह्यू होता है, ह्यू से आपके कलर चेंजिंग कर सकते हो। ये देखो जितना आप आगे करोगे उतने आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो अलग अलग कलर में चेंज होते जाएंगे। तो ओपेसिटी भी आप उसकी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे नहीं यूज़ करूँगा, मैं कैंसिल कर देता हूँ। जो ओरिजिनल व्यू है वही ओरिजिनल व्यूज ही मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं क्रिएट मैप कर देता हूँ। क्रिएट होने के बाद ये देखिए यहाँ से हमारी जो कंपोजिशंस है वो यहाँ पर हमारी क्रिएट हो गई है। इसको गोटेट कर देंगे तो ये हमारी कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। फिलहाल के लिए इसमें ऑप्शंस बहुत से हैं और भी हैं, वो मैं आपको किसी अनदर ट्यूटोरियल में बताऊंगा। फिलहाल शुरुआत के लिए आपको सिर्फ यही देखना होगा, इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जल्दी से वो पता चलेगा। अगर मैं सारी चीज़ इसी ट्यूटोरियल में बता दूंगा तो आपको वो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले इस चीज़ की ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल में हमारी ये देखो 20-20 सेकंड की ये हमारी कंपोजिशन बन गई है। अब मैं इसको एनिमेट करूँगा। एनिमेट कैसे करना है, जैसे मुझे जो फर्स्ट पोजीशन रखनी है अपने मैप की, तो ये मैं यहाँ पर ये
जो हम यहाँ पर सेटिंग करते जाएंगे वो हमें यहाँ पर इस एरिया में हमारे एक्टिव कैमरा में हमें वो दिखती जाएगी। तो जैसे ये कैमरा मेरा यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर की फ्रेम होता है, की फ्रेम को हमने फर्स्ट में ऑन कर लेना है। यहाँ पर की फ्रेम लग गया है, तो यहाँ पर मेरे कैमरे की पोजीशन ये है। तो कैमरे की पोजीशन इससे हमने चेंज करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर वीडियो मेरी 3 सेकंड तक क्या हो, 3 सेकंड तक मेरी वीडियो इतनी जूम हो जाए, यहाँ पर इतना एरिया जूम हो जाए, ठीक है जी। जूम होने के बाद फिर मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरी वीडियो यहाँ पर 3 सेकंड और चली जाए, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट हो जाए वीडियो, मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो और मैंने क्या करना है, इस स्क्रीन पर यहाँ पर मेरा कर्सर है, ये हैंड टूल है, कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से इसको यहाँ से ऐसे नीचे को डाउन कर देना है, ठीक है जी। डाउन करके तो फिर यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये इस सेकंड तक, 8 सेकंड तक जाके कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से इसको यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको घुमा देता हूँ, ठीक है जी। घुमाकर मैं जाता हूँ फिर से ये इस पोजीशन पर आ जाए, इस पोजीशन पर आके, और यहाँ से 1 सेकंड तक फिर से ये यहाँ इस सीधा हो जाए, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ से इसको सीधा कर लूँगा, और इस यहाँ पर आके 1 सेकंड और आगे। तो इस तरह से आपने अपने हिसाब से जो भी आपने सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर फिर से मैं जूम कर लूँगा, तो यहाँ तक इतना जूम हो जाए। तो जूम होने के बाद मैं चाहता हूँ फिर से ये यहाँ पर आके पूरा जूम आउट हो जाए ऐसे। तो ये देखिए, ये जो मैंने जैसे जैसे ये की फ्रेम लगाए हैं वैसे वैसे ही ये रन करेगी। तो यहाँ से हम की फ्रेम को ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ हमारी ऐसे, ये देखो जल्दी से आ गई, तो उसे भी हम यहाँ से आगे पीछे करके सेटिंग उसकी कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर हमें लग रहा है कि ये रोटेट जल्दी हो रही है, तो हम ये की फ्रेम को थोड़ा सा ऐसे आगे कर सकते हैं, तो इस तरह से ये रोटेट हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ये वीडियो जो बन जाएगी, तो ये हम ऐसे सेटिंग कर सकते हैं इसकी। तो उसके बाद हम ये देखिए, ये ऐसे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है, एक बार फिर से इसको फाइनलाइज़ करना है। फाइनलाइज़ करके हमारी जो पूरी की पूरी वीडियो ये बनी है, ये पूरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो वो वीडियो आपकी बन जाएगी। अभी ये एक्सपोर्ट फाइनलाइज़ हो रही है, फाइनलाइज़ होने के बाद भी मैं आपको वो वीडियो प्ले करके बताऊंगा कि जो हमने जैसी कंपोजिशन बनाई है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, हमारी जो वीडियो है वो बनके तैयार हो गई है। उसके बाद हमने कंट्रोल प्लस एम प्रेस करके कीबोर्ड से यहाँ से इसको रेंडर कर लेना है। रेंडर करके ये हमारे पीसी में सेव हो जाएगी, तो वहाँ से भी मैं आपको ये प्ले करके दिखाऊँगा। तो इस तरह से आप इसको, जियो लेयर्स को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ है जी, इसको आप ट्राई कीजिए। कोई भी लोकेशन ले लीजिए, उसको एनिमेट कीजिए और वीडियो को फाइनलाइज करके एक्सपोर्ट कीजिए, तो आपकी ये वीडियो ऐसे तैयार हो जाएगी। आपने पंजाबी सॉन्ग्स में भी देखा होगा कि ऊपर से कैमरा ऐसे आता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये वीडियो नहीं बनी होगी क्योंकि यहाँ पर जूम इन ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर उसको फ्रेम नहीं मिला। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये चीज़ आपकी ना हो। तो ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो गई है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने वीडियो बनाई थी, ये जूम इन किया था, जूम आउट किया था, उसको रोटेट किया था। तो ये देखिए, ये ऐसे फिर से जूम इन किया था। ये देखिए, यहाँ पर उसको फ्रेम नहीं मिले, वहाँ पर मैप में नहीं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और फिर से जूम आउट कर देना है, ज़्यादा जूम नहीं करना है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके रिलेटेड में सारे ट्यूटोरियल, इसका जियो लेयर्स का सारी की सारी ऑप्शंस मैं आपको बताऊँगा अनदर वीडियोज़ में कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।